लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञाना नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पी हुआ अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन श्याम ने बुढ़ा आ गया, वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी मन ने सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने, यू बैठ गया आकर उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था, नो बोला जी मन ने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ कई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सब की सुनता है, अब के भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में नरिया धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुणा पाप है, शराब में मांस में, ये तो बहुत तमक्खू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में, अब मेरा के बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही कौन ही, आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, ये तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़े आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150-150 फुट के, 100-100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी, तो उसमें कहते हैं जब मान लो बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़न की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा, एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठहगी 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया, और जब उसने भी छोड़ दे, गई गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है, तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा, बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया, आप नाम लो भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है, और इस जीवन में भक्ति पार हो जाओगे, जीवन तय थोड़ा ही बला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लिख दरे नहीं कोई, ये सतकर मानना, जो बालक है वो तो इन्हें सोचते कि मैं कोई नहीं मरा, ईसा स्मरण करें थोड़ा करें गणा करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है, और बुढ़ा आदमी तो इन्हें सोचा बेरा नहीं कटके कट कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम मरेगा जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा, जो कबीर भगवान है ये आयु बढ़ा देता भगवान की, तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने, उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी, 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं, भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उसे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता साथ के साथ, तो ऐसे आप ये मर्यादा ऐसा लगाओ अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया, और हाथ पैर सारे खराब कर लिए, अब माँ आती है वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं, उन्हें नहावेगी धोएगी कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सत्कर्म मानना, ये कबीर हमारा भगवान है,
ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रुण, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो जैसा मानव वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है, आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया, अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में ये कर्मों से पापों से, कोई ओका पाड़े है, कोई दारू पीवे है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वत खोरी कर करके कर रहे अपना जीवन, कर्म बिगाड़ दिए, तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरी सोई,